नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। मित्रों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती की अपडेट लेकर आया हूं। वैसे आधिकारिक रूप से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस भर्ती की अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं की है, लेकिन कॉलेज शिक्षा विभाग के कमिश्नर माननीय संदेश नायक जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो जानकारी दी है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसमें प्रयोगशाला सहायकों के 362 नए पदों पर भर्ती के लिए बात कही गई है। आप यहाँ पर देखिए, कॉलेज शिक्षा विभाग ने प्रयोगशाला सहायकों के 362 पदों को भरने के क्रम में विषयवार अभ्यर्थनाएं आगामी कार्यवाही हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को प्रेषित की। राजकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति पश्चात विभिन्न विषयों के छात्र छात्राओं की प्रायोगिक कक्षाएं या परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित की जाएगी। और आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के सीटें हैं वो 329 होगी और अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं वो 33 होंगे। इस प्रकार से 362 पदों पर ये भर्ती है वो शीघ्र ही होने वाली है। तो मित्रों, इस प्रकार की लैब असिस्टेंट की भर्ती पहले भी संपन्न हो चुकी है, 2016 में भी हुई थी, 2018 में भी हुई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और इसका पाठ्यक्रम क्या रहता है। वैसे यहाँ पर 362 पदों की बात कही गई है, ये केवल कॉलेज शिक्षा विभाग का है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी कुछ पद रिक्त होंगे, कृषि विभाग में भी कुछ पद रिक्त होंगे। तो उन्हें सारे डिपार्टमेंट को एक साथ में कंबाइंड करने के बाद में ही कर्मचारी चयन बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट है वो करवाने वाला है, इसीलिए इन पदों में वृद्धि भी हो सकती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस भर्ती परीक्षा के लिए जरूरी अहर्ताएं क्या हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2018 की विज्ञप्ति के आधार पर ये चीजें बता रहा हूँ और 2016 में जो भर्ती हुई थी उसके बाद में 2018 में भर्ती हुई, तो परीक्षा के पैटर्न में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ और आगामी ये भर्ती भी होने वाली है तो इसमें भी ये पैटर्न है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो साइंस में 12th होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, सीनियर हायर सेकेंडरी अथवा हायर सेकेंडरी वैकल्पिक विज्ञान विषय सहित, यानी कि साइंस में आप अगर आपने 12th कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये 12th कब तक होनी चाहिए तो इसके लिए ये प्रावधान रहता है इस बोर्ड में कि एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन से पहले तक, यानी कि एग्जाम तक आपकी क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो जानी चाहिए। तो अभी जो 12th कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये सुनहरा मौका है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी के लिए आपको क्या पढ़ना है, इसका क्या पाठ्यक्रम रहता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही इसकी एज लिमिट के संबंध में भी काफी डाउट्स रहता है, तो एज लिमिट है वो 18 से 40 वर्ष के जो अभ्यर्थी है वो इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी जो अलग अलग कैटेगरी है उसके अनुसार कुछ छूट भी दे रखी होती है, तो वो आप देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं हम इसके पाठ्यक्रम की। तो मित्रों देखिए, 2016 का और 2018 की प्रयोगशाला सहायक भर्ती का पाठ्यक्रम सेम था। इसमें 100 अंकों का राजस्थान का जीके आता है, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और राजस्थान का भूगोल, इसमें आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न 100 अंकों के होंगे। इसके अलावा बी पार्ट होता है वो आपका साइंस का होता है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से जुड़े 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 अंकों का होता है। इस प्रकार से आपका टोटल जो पेपर है वो 300 अंकों का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी और न्यूनतम आपको पासिंग मार्क्स है वो 40% है वो लाना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो आपका एग्जाम की स्कीम हो गई। इसके अलावा विस्तृत पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान
सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति एवं साहित्य परंपरा और विरासत, इसमें आपके ये जो 17 टॉपिक है इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, और राजस्थान भूगोल के ये जो 16 टॉपिक है इनसे जुड़े आपको प्रश्न राजस्थान जीके के अंतर्गत पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके की अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है इन जो टॉपिक है राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य विरासत परंपरा के, तो इन टॉपिकों पर आधारित बोर्ड ने आज तक लगभग 60-70 पेपर है वो कंडक्ट करवा लिए हैं, और इन 60-70 पेपरों में इन्होंने किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों का विस्तृत व्याख्या के साथ में विश्लेषण आपको हमारे इसी YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर मिल जाएगा। यहाँ पर RSMSSB राजस्थान जीके मेगा वीडियो के नाम से आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, और इस वीडियो में आपको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, इस प्रकार से ये तीन जो मैराथन वीडियो है ये मिलेंगे। इन तीन मैराथन वीडियो में आपको कर्मचारी चयन बोर्ड के कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर्स, इसमें केवल और केवल राजस्थान जीके होंगे। तो इसको आप अगर इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो राजस्थान का 90% जीके इन्हीं तीन वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा, और इसका अगर आप परीक्षण करना चाहते हो इसमें कितना क्या दम है वो अगर देखना चाहते हो, तो वर्तमान में जो एग्जाम हो रहे हैं जैसे लाइब्रेरियन का हुआ, जेईएन का हुआ, पटवारी का भी होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा अभी काफी टाइम है परीक्षा में, जब तक आप हो सके तो 2-3 बार इन वीडियोज को अच्छी तरीके से देख लेना, और उसके बाद में टॉपिक वाइज अच्छी तरीके से तैयारी करना, तो निश्चित तौर पर राजस्थान का जीके इस प्रकार से तैयार हो जाएगा कि एक प्रश्न भी आप गलत नहीं करेंगे। और बाकी जो जनरल साइंस का पोर्शन है वो भी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। अच्छी तरीके से तैयारी करें, और आने वाले साल 2021 में लैब असिस्टेंट के पद पर पदस्थापित हो पाए, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करें, और हमारे इसी YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी वाला और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट समय समय पर हम प्रोवाइड करवा सकें। तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।